तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है ये देखिए। इसके तहत न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक रिलेशन स्टेबलाइज किया। वो रिलेशन था शियर स्ट्रेस यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज किया उन्होंने। एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने बताया कि दोनों में किस तरीके का रिलेशन होगा फ्लूइड के केस में। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है वो सॉलिड मैकेनिक्स में हुक्स लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है, और फ्लूइड के लिए जो है न्यूटन ने बताया और इसको बाद में जनरलाइज किया गया। तो देखिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, न्यूटन ने क्या किया कि इन्होंने दो प्लेट लिया, लंबाई और चौड़ाई की दो प्लेट लिया, पैरेलल प्लेट। एक प्लेट मान लीजिए यह है और एक प्लेट यह है। ये डिस्टेंस जो है इधर की तरफ वाई एक्सिस ले लेते हैं और इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं इसको। तो ये प्लेट जो लोअर प्लेट है वो मान लीजिए स्टेशनरी है, पैरेलल प्लेट्स हैं। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है लोअर प्लेट और एक प्लेट ये है, और ये लंबाई और चौड़ाई में और ज्यादा होंगी, और इनके बीच में जो है इस स्पेस में फ्लूइड है। तो यहां पे फ्लूइड है इस रीजन में, इनिशियली फ्लूइड स्टेशनरी है, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है। लोअर प्लेट स्टेशनरी है, कोई वेलोसिटी नहीं है। अपर प्लेट को एक फिक्स वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कराया, मान लीजिए यूनिडायरेक्शनल मोशन है, एक ही दिशा में मोशन है प्लेट का और यूनिफॉर्म मोशन है। यू वेलोसिटी से यह प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है मान लीजिए। तो जो इसके ठीक कांटेक्ट का फ्लूइड है जो कि इससे चिपका हुआ होगा विस्कोसिटी के कारण, अच्छा फ्लूइड जो लिया गया है वो विस्कस फ्लूइड लिया गया। अगर विस्कस फ्लूइड नहीं होगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा मोशन में, विस्कोसिटी उसकी जीरो होगी। तो ऐसा फ्लूइड नहीं लिया गया है, विस्कस फ्लूइड लिया गया है, क्योंकि हमें रिलेशन देखना है स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच का। टेंजेंशियल स्ट्रेस जब क्रिएट किया जाएगा फ्लूइड पे तो उसमें कितना स्ट्रेन होगा और उसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं विस्कस फ्लूइड के केस में है। विस्कस फ्लूइड नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देख रहे हैं, ठीक है। विस्कोसिटी का जो प्रभाव है फोर्स लगाने पर कितनी विकृति होगी ये विस्कोसिटी पर निर्भर करेगा, क्योंकि विस्कोसिटी से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, मोशन के अपोजिट दिस डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो विस्कोसिटी नहीं रहेगी तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो देखिए, इस प्लेट को यू वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करवाया, ये स्टेशनरी है, बीच में फ्लूइड है। जब ये फ्लूइड मूव करेगा तो इसके ठीक कांटेक्ट में जो फ्लूइड होगा जो कि प्लेट से चिपका हुआ होगा, स्टिक किया हुआ होगा। स्टिक क्यों किया हुआ होगा, क्योंकि विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है तो
विस्कस फ्लूइड है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, लिक्विड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड विस्कोसिटी हमने कहा है कि लिक्विड की नॉन जीरो और एयर की जीरो लेकर के हम अब इसको स्टडी करेंगे, ये मान के चलेंगे कि एयर की विस्कोसिटी जीरो है। तो जब विस्कोसिटी की बात की जाएगी तो समझ लीजिए कि लिक्विड की बात की जा रही है। तो विस्कोसिटी अगर उसके अंदर होगी तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांग फोर्सेस से बंधे हुए होंगे, और वो जो फ्लूइड है वो जो प्लेट के कांटेक्ट में होगा, प्लेट से चिपका हुआ होगा, उसकी वही वेलोसिटी होगी जो प्लेट की वेलोसिटी है। इस कंडीशन को कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, मतलब जिस जो बाउंड्री की वेलोसिटी है वही बाउंड्री पर जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी होगी, इसको नो स्लिप कंडीशन कहा जाता है। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि जो फ्लूइड इसके कांटेक्ट में है प्लेट के, वो उसी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा जिस वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रही है। तो यहां का फ्लूइड जो है यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। अब थोड़ा सा अगर नीचे बढ़ते हैं, दूर जाते हैं इस प्लेट से, तो वेलोसिटी क्या होगी फ्लूइड की? फ्लूइड इनिशियली ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। तो जो फ्लूइड प्लेट के कांटेक्ट में है वो तो यू वेलोसिटी से मूव करने लगेगा उसी दिशा में जिस दिशा में प्लेट मूव कर रही है। और थोड़ा सा आगे बढ़े अगर, तो इस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर जो फ्लूइड है तो उसमें जब ये फ्लूइड प्लेट में के कांटेक्ट में होगा तो फ्लूइड की जो अगली लेयर है यानी इसके नेबरहुड में जो फ्लूइड होगा वो उस फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा, यानी लेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो अगर ये लेयर वी वेलोसिटी यू वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके ठीक बगल की जो लेयर होगी जो कि उस फ्लूइड से चिपकी हुई होगी, तो जो अपर लेयर है उस वो ड्रैग करके लोअर लोअर को ड्रैग करके यानी खींच के उसी दिशा में ले जाएगी जिस दिशा में वो खुद मूव कर रही है। लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी वही होगी जो इस लेयर की है? नहीं। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी के कारण फ्लूइड की लेयर्स में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो अपोज होगा, अपोजिशन होगा, तो जो मोशन है उसका अपोज होगा, अपोज होगा तो उसकी वही वेलोसिटी नहीं रहेगी, वेलोसिटी उससे कम होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ जाएंगे तो घटती चली जाएगी, और जब इस प्लेट पर जब हम आ जाएंगे तो ये वेलोसिटी जो फ्लूइड इस प्लेट के कॉन्टेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि नो स्लिप कंडीशन से जो फ्लूइड इससे चिपका हुआ है उसकी वही वेलोसिटी होगी जो प्लेट की है। प्लेट ठहरी हुई है तो जो कांटेक्ट में फ्लूइड है वो भी ठहरा हुआ होगा, जीरो वेलोसिटी होगी। यानी यहां का जो फ्लूइड है वो जीरो वेलोसिटी से, और इस प्लेट पर जो फ्लूइड है वो यू वेलोसिटी से मूव करेगा, और बीच का जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और नीचे की तरफ घटती जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। यानी यहां वेलोसिटी जीरो है, बढ़ती गई और इस प्लेट पर यू हो गई, यहां वेलोसिटी यू हो जाएगी। तो देयर इज ए वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द फ्लूइड, यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा यानी वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ घटती जा रही है। मान लीजिए कि ये जो फ्लूइड की लेयर है, यहां का जो फ्लूइड है इसकी वेलोसिटी है यू प्लस डेल्टा यू, स्मॉल यू लिया है, और यहां पर जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो इससे कम होगी, वो मान लीजिए यू है। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए डेल्टा वाई है। तो डेल्टा वाई डिस्टेंस के अंतर से फ्लूइड की वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो डेल्टा यू है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगी? डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई, इन दोनों लेयर के बीच में ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, मान लीजिए यहां पे हमें देखना वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, तो लिमिटिंग केस में डेल्टा वाई को जीरो टेंड कराइए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगा जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आइए
रेट ऑफ स्ट्रेन पे, रेट ऑफ सॉरी शियर स्ट्रेस यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस पे आइए। टेंजेंशियल स्ट्रेस जैसा कि आपको बताया था कि ये मान लीजिए फ्लूड है तो इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, जो स्ट्रेस लगेगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ ऐसा ही है, ये जो प्लेट है, ये मान लीजिए प्लेट है और ये फ्लूड है, तो जब प्लेट ऐसे मूव करेगी, जैसे मूव करेगी तो इस फ्लूड लेयर पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी, टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी। तो ऐसे ही ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएगी, दोनों एक दूसरे पे लगाएगी, ये इसको इस दिशा में खींचेगी और जो इसका फ्रिक्शन है, फोर्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स है यानी जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स पर यूनिट एरिया है ये जानना है। तो फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में यही देखना चाहा कि दो लेयर के बीच में या फ्लूड में जब इस तरह का वेलोसिटी डिफरेंस होगा तो जो विस्कस फ्लूड है उनकी लेयर्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का, जो कि टेंजेंशियल फोर्स है यानी टेंजेंट की डायरेक्शन में तो होगा और मोशन के अपोजिट दिशा में होगा। तो इसको मान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स या शियर स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऐसे एज्यूम करिए, मान लीजिए कि एक लेयर ये है फ्लूड की और एक इसके नीचे लेयर ये है, ये लेयर है, ये लेयर है। तो इसका मान लीजिए एरिया ए है, इसका भी एरिया ए लिया, तो ये जो फ्लूड लेयर है इसके यूनिट एरिया पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है एरिया बढ़ा दीजिए तो फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ जाएगा, जब ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा एक दूसरे के तो फ्रिक्शन का फोर्स भी बढ़ जाएगा, एरिया घट जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब से एरिया घटेगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या घट जाएगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स घट जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया, मान लीजिए एफ फोर्स ए एरिया पे लग रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा कि ये जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा, इन्होंने कहा अगर वेलोसिटी में कोई ग्रेडियंट नहीं होगा तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। और ये ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि अगर दोनों लेयर एक ही दिशा में मूव कर रही हैं और एक ही वेलोसिटी है इनकी तो साथ साथ मूव करेंगी तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा इनके बीच में, क्यों लगेगा फोर्स? इसको ऐसे आप इमेजिन करिए कि अगर दो लोग एक दूसरे के अगल बगल चल रहे हों, मान लीजिए साइकिल से चल रहे हैं और दोनों साइकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है, राइट, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है, तो अगर एक की रफ्तार ज्यादा और एक की कम होगी तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा, यानी यूं कहें कि उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स जिसे कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा उल्टी दिशा में और
और अगला दूसरी दिशा में, अलग अलग दिशाओं में ये खींच रहे होंगे एक दूसरे को, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स क्रिएट होगा। और लेकिन अगर दोनों साइकिल के व्यक्ति साइकिल की रफ्तार एक हो, एक रफ्तार से चल रहे हो, तो कोई फोर्स नहीं महसूस होगा एक दोनों को, कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा। तो वैसे ही अगर दोनों फ्लूइड की लेयर एक वेलोसिटी से मूव करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगी। जब वेलोसिटी में डिफरेंस होगा तो जब मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जब डिफरेंस होगा वेलोसिटी में तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो वो जो फोर्स लगा है वो टूटेगा और यही फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। और अगर दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, यानी सेम वेलोसिटी है, तो कोई फोर्स में जो उनके बीच जिस फोर्स से बंधे हैं वो बंधे रहेंगे, फोर्स टूटने की कोई नौबत आएगी नहीं, कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा। तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा, ये उन्होंने पाया। वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा फ्रिक्शन का, और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा। ज्यादा होगा तो ज्यादा क्यों लगेगा, ये ऑब्वियस है। मान लीजिए कि एक साइकिल वाला तेज चलने लगे, एक साइकिल वाला तेज चलने लगे, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स महसूस होगा, और बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा वेलोसिटी में तो कोई फोर्स नहीं महसूस होगा। जैसे ही यह रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो फोर्स जो महसूस होगा वो बढ़ने लगेगा, और जितनी रफ्तार में अंतर आएगा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते, देखिए केवल रफ्तार से कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई कहे कि वेलोसिटी जीरो है, जब ठहरा हुआ है तो वहां कोई फोर्स फ्रिक्शन का लगेगा नहीं, लेकिन खूब तेज चल रहा है, लेकिन एक समान चल रहा है तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तब लगेगा जब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जब वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा तभी लगेगा। तो वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट से मतलब है, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, वेलोसिटी से मतलब नहीं है। तो ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है इसको एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएट किया गया, और इस जो कांस्टेंट को कहा गया कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, या सिंपली इसी को विस्कोसिटी कहा जाता है। अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही फ्लूइड के लिए अलग अलग होता है। तो यह है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, और कॉमनली नोन एज विस्कोसिटी, कॉमनली नोन एज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यह है, अब ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है इसी को तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा गया, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, सियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो सियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, और इसको हम लिमिटिंग केस में अगर किसी पॉइंट पे देखना है तो लिमिट लेंगे तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसको डी यू बाई डी वाई, डी मतलब डेरिवेटिव, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम और देखिए एक्सपेंड कर सकते हैं, ये कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसी इक्वेशन को कहा जाता है। ये क्या कहता है कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू
कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू विस्कोसिटी होगा, उस पॉइंट पर कोई जो है उस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस ये होगा किसी सरफेस पे। अच्छा, इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड अगर करें तो डी यू, यू मीन्स वेलोसिटी, तो इसको डी यू को अब हम डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिखें तो वेलोसिटी ही तो है ना। डी यू ठीक है, इसको यहां से लिखे तो ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे कंफ्यूजन होगा आपको। टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई, इसको लिखते हैं हम डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई, इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी बाय डेल्टा वाई। वेलोसिटी मतलब एक डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो यही वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो है आप ऐसे लिख देखिए इसको डेल्टा टी, और ये क्या है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई। यहाँ देखिए ये डेल्टा एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया, ये वाली लेयर ने एक्स प्लस डेल्टा एक्स ट्रेवल किया, ऐसे समझिए। ये लेयर ने डेल्टा एक्स ट्रेवल किया, ये लेयर ने एक्स प्लस डेल्टा एक्स ट्रेवल किया, है ना। ये एक्स ट्रेवल किया, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स ट्रेवल किया, और इनके बीच में डिफरेंस है डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में ये इतना चला और ये इतना चला। तो यहां पर देखिए जो डिफॉर्मेशन आया फ्लूट एलिमेंट में, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर फ्लूट एलिमेंट था, तो इसकी जो नीचे वाला जो एलिमेंट है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो x प्लस डेल्टा x ट्रेवल किया। आप ऐसे समझिए कि ये एक फ्लूड एलिमेंट है, रेक्टेंगुलर फ्लूड एलिमेंट, टू डायमेंशनल केस ले रहे हैं, इन जनरल इसको थ्री डायमेंशन कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए टू डायमेंशनल फ्लूड एलिमेंट समझिए। इसके ऊपर मान लीजिए कि ऐसे टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस अप्लाई किया गया, शियर स्ट्रेस जब इस पर अप्लाई किया गया तो मान लीजिए कि इसमें विकृति या डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ। डिफॉर्मेशन जो क्रिएट हुआ वो इस तरीके से क्रिएट हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो मान लीजिए अब ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये और ज्यादा क्लियर अगर देखना है तो इसको और इजी देखना है, दोनों में मत लीजिए, ज्यादा आसान करना है तो मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर फ्लूड एलिमेंट है, इसके ऊपर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस टेंजेंशियल फोर्स ये लगाया गया, और मान लीजिए ये ऐसे हो गया डिफॉर्म हो करके, तो ऐसे हो गया तो इसमें जो चेंज आया वो मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये इतना बढ़ गया तो ये डेल्टा वाई है। तो जो चेंज आया इसमें डेल्टा वाई, और जितना चेंज आया हम उतना ही लेंगे, तो ये हो गया ऐसे। यहाँ देखिए इतना मान लीजिए चेंज आया, नीचे कोई चेंज नहीं हुआ और ऊपर वाले में इतना डेल्टा एक्स चेंज आया, ये डेल्टा वाई है। और ये डिफॉर्मेशन एंगुलर डिफॉर्मेशन मान लीजिए थीटा है या गामा है,
गामा ले लीजिए, ओके थीटा, तो थीटा ले लीजिए, इसको कहेंगे डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो ये क्या है, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, और डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे ये डेल्टा थीटा ले लीजिए बाई डेल्टा टी, तो ये हो गया म्यू, और ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो गया, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मान लीजिए गामा, तो रिलेशन मिला ये। तो ये जो रिलेशन है यहाँ पे, ये कुछ और नहीं है, यही रिलेशन ये है, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म्स में, और ये लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के टर्म्स में। तो यही रिलेशन हमको एक्चुअली देखना था कि जब टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाएगा तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा तो वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में और टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या रिलेशन है। तो सिंपलेस्ट जो केस था, यानी जब फ्लूड केवल एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस या कोई भी वाई एक्सिस भी हो सकती है, तो किसी एक दिशा में जब फ्लूड मूव कर रहा हो तो रेट ऑफ स्ट्रेन या सियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्म सॉरी सियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या रिलेशन होगा, वो ये होगा, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड दिस इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इसी को कहेंगे स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन भी इसको कहा जाएगा, रेट ऑफ स्ट्रेन भी इसी को कहा जाता है, और ये है सियर स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस। तो सियर स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म्स में देखेंगे तो ये। तो न्यूटन ने इनिशियली यही बताया था और फिर बाद में ये जनरलाइज होकर के थ्री डायमेंशन के केस में जब देखा गया तो इस तरह का रिलेशन निकला। सिंपलेस्ट केस में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रिलेशन है स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में, वो जो है न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बताया और वहीं से विस्कोसिटी इंट्रोड्यूस हुई। अब विस्कोसिटी की अगर यूनिट देखनी है तो ये देख लीजिए, यहां से आइए, फोर्स पर यूनिट एरिया म्यू, और ये है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो म्यू इज फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन दिस, अगर यूनिट निकालेंगे इसकी तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम मतलब टी ऊपर ले लें और ये भी ऊपर चला जाएगा डिस्टेंस एल, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन की इसको भी ब्रेक कर लेंगे। तो अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो एमकेएस सिस्टम में यानी कि किलोग्राम मीटर सेकंड सिस्टम में इसकी यूनिट हुई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को और आप फोर्स को आप ब्रेक कर लीजिए तो उसको भी लिख सकते हैं, तो डायमेंशन निकालनी है तो कर सकते हैं, बाकी यूनिट लिखनी है तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सी जी एस सिस्टम में अगर जाएं यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो जो यूनिट मिलती है यूनिट इन सी जी एस सिस्टम, तो वहां पर जो जो फोर्स होता है उसे डाइन में लिखते हैं, है ना, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
वहां पे ये है, इसको कहा जाता है वन पॉइस, इस यूनिट को पॉइस कहा जाता है। पोजाई एक फ्लूड मैकेनिस्ट थे, उन्होंने इस पे काफी काम किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में विस्कोसिटी निकालने का एक फार्मूला दिया और वहीं पर इन्होंने विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो पॉइस दी। तो इन दोनों में रिलेशन अगर देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, सिंपली वो वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10^4 पॉइस, ये होता है रिलेशन। तो इसके बाद हम आते हैं कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, तो इसमें ऐसा था कि जो फ्लूड विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूड। तो जो फ्लूड न्यूटन के विस्कोसिटी नियम का पालन करते हैं, न्यूटन का विस्कोसिटी नियम क्या है कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स विस्कोसिटी टाइम्स रेट ऑफ स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में लीनियर रिलेशन है, लीनियर है ये, सिंपली ये कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू, अगर इसको देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर इनके बीच में आप रिलेशन देखना चाहोगे तो किस तरह की रिलेशनशिप मिलेगी, अगर आप इधर आप लेना चाहो शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन का मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेन, इस साइड में लीजिए आप, जिसे हमने गामा कहा है, गामा है क्या डी थीटा बाय डी टी, यही था, और इधर आप ले लीजिए शियर स्ट्रेस टॉप, और इनके बीच में रिलेशंस ग्राफ खींचिए अगर, तो इसको बढ़ाते जाइए तो ये बढ़ता जाएगा, और किस तरह से बढ़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है यानी कि ये डिफॉर्मेशन जीरो है तो कोई फोर्स नहीं है ना, तो इस तरह का एक रिलेशन है जो कि स्ट्रेट लाइन है, और ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये कांस्टेंट है, तो ये ऐसा ही मिलेगा। तो जो न्यूटोनियन फ्लूड है उसमें जो स्ट्रेस शियर स्ट्रेस और शियर रेट ऑफ स्ट्रेन, शियर रेट ऑफ स्ट्रेन इसलिए कह रहे हैं कि जैसे स्ट्रेस नॉर्मल और टेंजेंशियल होता है वैसे ही डिफॉर्मेशन भी टेंजेंशियल और नॉर्मल होता है, जो हमारा डिफॉर्मेशन था वो टेंजेंशियल ही था, ये जो है टेंजेंशियल था, है ना, और नॉर्मल डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, जब ऐसे फोर्स लगाया जाएगा तो ये जब कंप्रेस करेगा या खींचेगा, है ना, तो ये जो है ये जब फोर्स की दिशा में ही होगा डिफॉर्मेशन, तो ये नॉर्मल डिफॉर्मेशन या डायरेक्ट डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन कहलाता है, तो वो भी देखेंगे आप अगले सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ फिलहाल इस पे फोकस करिए। तो जब शियर स्ट्रेस और शियर रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में जिन फ्लूड के लिए रिलेशनशिप लीनियर होती है ऐसे फ्लूड न्यूटोनियन फ्लूड कहलाते हैं, सिंपली इसको कह सकते हैं कि जो फ्लूड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूड कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप जाएंगे तो वाटर
जो भी थिन फ्लूइड्स हैं, वाटर, एल्कोहल, एल्कोहल और इसी तरीके के स्प्रिट, वो तो एल्कोहल ही हो गया, और इस तरह के जो भी थिन फ्लूइड्स हैं वो सब न्यूट्रिनियन फ्लूइड में आएंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो है न्यूट्रिनियन फ्लूइड है। नॉन न्यूट्रिनियन फ्लूइड कौन से हैं? वो फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते। कहने का मतलब ये है जिसमें स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर है तो किस तरीके से है? तो ऐसे जो फ्लूइड होते हैं वो सब कहलाते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर होगी। तो नॉन लीनियर होने का मतलब ये है कि ये जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके की होगी, यानी टाउ, म्यू और ये जो गामा था ये लीनियर नहीं होगा। यहाँ पर इसकी जो है कुछ न कुछ पावर मिलेगी, है ना, तो वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं रह जाएगी। तो ये फ्लूड नॉन न्यूटोनियन, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू वन, ऐसे फ्लूड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कहलाएंगे, नॉन न्यूटोनियन। तो वो फ्लूड जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते, न्यूटन के विस्कोसिटी नियम का पालन नहीं करते, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है। यानी कि इसमें स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच की जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है। इसमें थिक फ्लूड्स आते हैं। थिक फ्लूड्स में मतलब कि जैसे एग्जाम्पल इसमें ले लेंगे, इसमें हनी, पेंट, इस तरह के जो फ्लूड हैं वो इसमें है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ये सब जो है नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूड के एग्जांपल हैं। और इसमें जो ग्राफ होगा ये वो एक लाइन नहीं मिलेगा, ये दूसरे तरह का ग्राफ इसमें मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो, और वो हम बताते हैं कि वो क्या होगा। आपको वो ऐसे होगा, उसमें ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड के कई कैटेगरी हैं, नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड के कई कैटेगरी हैं, जिसमें डिलेटेंट और सूडो प्लास्टिक, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, बेंगम प्लास्टिक, बेंगम प्लास्टिक, बेंगम प्लास्टिक, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। और इनके डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। ये जो नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूड है वो आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है, उसको हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन एग्जांपल आप समझ लीजिए और जान लीजिए कि नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूड होते क्या हैं, ये जानना जरूरी है। तो इनके जो ग्राफ, जैसे ये है, ये सूडो प्लास्टिक का ग्राफ है, सूडो प्लास्टिक, ये है डिलेटेंट, ये तो आपको बताया ही था न्यूटोनियन, ठीक है, और ये प्लास्टिक जो है वो यहां से शुरू होता है, मतलब जब उसमें जो है एक मात्रा से अधिक जब फोर्स लगा देंगे तब उसमें जाकर के डिफॉर्मेशन शुरू होगा, उससे पहले होगा नहीं। जैसे कोल तार है तो हल्के फुल्के फोर्स से उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, एक मात्रा के ऊपर जब फोर्स लगेगा तब डिफॉर्मेशन शुरू होगा। तो ये जो है इनको कहते हैं प्लास्टिक फ्लूड, ठीक है। बेंगम प्लास्टिक जो है वो भी है इसी तरीके, लेकिन उस जब जब उसमें
रिलेशनशिप मिलेगी तो वो लीनियर ही मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी एक निश्चित फोर्स के बाद, एक निश्चित फोर्स के बाद वो उनका बिहेवियर न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह से ही शो करते हैं, मतलब कि उसमें स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि जब उन जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तुरंत डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जीरो फोर्स पे कोई डिफॉर्मेशन तो होगा ही नहीं, लेकिन फोर्स लगाएंगे तो भी एक सीमा तक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, एक सीमा के बाद ही डिफॉर्मेशन शुरू होगा, और जब शुरू हो जाएगा तो फिर न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह ही होगा, यानी कि रिलेशनशिप लीनियर मिलेगी। तो इस माने में ये जो फ्लूइड है ये इनको कहते हैं बेंघम प्लास्टिक, ये अजीब तरह के फ्लूइड हैं कि जब तक नेचर नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, दिखाया तो न्यूटोनियन फ्लूइड का दिखाया, बेंघम प्लास्टिक। ठीक है, तो ये हम आपको, मेरा ख्याल है आपको दिया होगा मैंने नोट्स, तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं आज आपको देता हूँ। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उनके एग्जाम्पल और उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में वो कैसा संबंध दिखाते हैं, इसी के आधार पर तय करते हैं कि फ्लूइड न्यूटोनियन है या नॉन न्यूटोनियन है। जो न्यूटोनियन फ्लूइड होगा उसमें रिलेशनशिप लीनियर होगी, और जिसमें रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगी वो नॉन न्यूटोनियन होगा। थैंक यू।